काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। हमने इस सीज़न में, हम ये सभी से कह रहे हैं कि इस सीज़न में सबसे ज़्यादा मज़ा किया है एक साथ। आई थिंक अ फ्रेंडशिप हैज़ ऑल्सो ग्रोन इन रियल लाइफ ओवर द लास्ट 3 years एंड इट हैज़ आई थिंक वीव हैड द मोस्ट फन वर्किंग ऑन द थर्ड चैप्टर ऑफ गर्ल इन द सिटी। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और वी आर होपिंग कि जितना मज़ा बनाने में हमें आया उतना आपको भी आए देखने। ये जो हमारी फ्रेंडशिप क्लोज आई है, ये रियल लाइफ में बहुत क्लोज आ गई है, इन द सेंस दैट वी हैव स्टार्टेड हैंगिंग आउट टुगेदर, वी बिकम रियल गुड फ्रेंड्स। ऑफ स्क्रीन तो हम शूट से ख़त्म होके जब घर भी जा रहे हैं तो हम बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम द शो, एंड वो केमिस्ट्री आपको दिखेगी शो के अंदर, बिकॉज जो फ्रेंडशिप हमारी है वो अगर ऑन स्क्रीन इफ़ यू हैव टू बी फ्रेंड्स, ऑफ स्क्रीन अगर आप हैं तो विच कम्स अक्रॉस मोर ट्रूथफुली। या काफ़ी एक्साइटिंग था, बिल्कुल भी प्लान नहीं था, मुझे इतना पता था कि मुझे एक्टर बनना है और उसके आगे मैंने कोई प्लान नहीं बनाया था कि थिएटर करना है या फिल्म्स करनी है या टेलीविजन करना है। थिंग्स फॉर्चुनेटली अपॉर्चुनिटी स्टार्टेड अनवेलिंग एंड आई थिंक आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव रिसीव्ड द बेस्ट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो इट्स बिन एक्साइटिंग एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इवन मोर एक्साइटिंग थिंग्स। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिल्कुल ही। अभी तो मैं गर्ल इन द सिटी के बारे में बात करना चाहूँगी, बट आई विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन आई गेट देयर। व्हेनेवर कारवां इज क्लोजर टू रिलीज आई विल टॉक मोर अबाउट इट, बट डेफिनेटली वेरी एक्साइटेड। हम देखेंगे और हम भी बात करेंगे।